स्टूडेंट वेलकम टू द ज्ञान मंदिर मॉडर्न स्कूल यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी लेसन 5 तक हम लोगों ने किया था, हर्षव ऊ तक हम लोगों ने पिछले लेसन में कर चुके थे हम लोग। अब आज हम लोग को क्या करना है, लेसन 6। आज हम लोग कौन सा लेसन पढ़ेंगे, पार्ट 6। दिगो ऊ, ये ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं, कैसे लगता है, कौन से वर्ड में लगेगा, वो आज हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले है ये ऊ की मात्रा। हम लोगों ने दिगऊ अमे आकार आ की मात्रा, हसई की मात्रा, दीर्घई की मात्रा और हसौ ऊ की मात्रा कर चुके थे। अब है दिगऊ ऊ, ये है पहले कू, उसके बाद है चू, फिर है तू, फिर है
में हर्षु का टू, अठारह में दुर्गु का टू। उसके बाद फिर क्या है, लगा के कौन कौन से वर्ड्स बनाए जा सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, पढ़ो और समझो। उसमें क्या है, सबसे पहला है सूरज, सूरज क्या है, सूरज। सूरज में समय दीर्घकार लगा हुआ है, ये हर्षुकार होता है इधर से, और ये इधर ये हर्षुकार, ये दीर्घकार बोलते हैं। तो इसको पहले पहले वाले वर्ड में बहुत में ये लगता है और बहुत सारे वर्ड में ये, लेकिन उसको कहेंगे सू, सू ही बोलेंगे। तो सू में ये सू भी होता है, जैसे कहा गया सा, ये सू भी हो सकता है और ये वाला भी सा में ये सू भी होगा और ये सू भी होता है, दोनों सू ही होगा। लेकिन आप कैसे समझ पाएंगे कि कौन से वर्ड में कौन से शब्द में इस ये ऊ की मात्रा लगेगा या फिर ये ऊ की मात्रा लगेगा। सूरज में ये ऊ की मात्रा लग रहा है, लग रहा है ना सूरज। और उसके पहले वाले में पहले जो पढ़ रहे थे हम लोग, जैसे गुड़िया, जुबान, कुर्सी, ऊ था तो कुर्सी में ये ऊ लगा था, कुर्सी दिख रहे थे हम लोग तो कुर्सी, कुर्सी। और यहाँ भी सूरज है तो सूरज में क्या लगेगा, ये लगेगा सूरज। तो आप लोग कैसे समझ पाएंगे कौन में इसमें लगेगा, कौन सा ये लगेगा, वो इसकी मात्रा या ये लगेगा। तो सूर कु ये गऊ में हम लोग हसौ है, ये वाला क्या है हसौ है। इसमें कम धीरे से कु जो उच्चारण कु की उच्चारण होता है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, कु कुर्सी। लेकिन अगर जो ये गऊ है, ये वाला ऊ की मात्रा है, ये वाला ऊ की मात्रा है, इसमें थोड़ा जब भी हम लोग उच्चारण करते हैं तो थोड़ा जोर पड़ता है। सूरज सू, ज्यादा देर तक सू की
को उच्चारण करते हैं तब सूरज बनता है सूरज, लेकिन कुर्सी बोलते हैं तो कुर्सी कुर्सी कूद कम उच्चारण होता है। जब हम लोग कोई भी वर्ड को उस ऊ की मात्रा पे कम जब दबाव पड़ता है तो उसमें क्या हर्षव ये ऊ लगता है ऊ की मात्रा, और जब हम लोग ऊ ज्यादा आवाज पे जोर पड़ता है तब हम लोग जो ऊ की मात्रा लगता है वो कौन सा ये वाला दीर्घ ऊ की मात्रा लगता है, ठीक है ये वाला। इसलिए जब भी आप कोई वर्ड्स बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि किसमें ये ऊ की मात्रा लगेगा या फिर ये ऊ की मात्रा लगेगा। ओके
था तरबूज, तरबूज सूरज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सन। भालू को बियर। झूला को क्या बोलते हैं? स्विंग। स्विंग हो गया। उसके बाद वाटर मेलन तरबूज को वाटर मेलन, WATER वाटर मेलन, वाटर मेलन। को लिख लीजिए आप लोग अपने नोटबुक में। नाखून,
हमें उठा खून ना खून। अगला है पूरी। उसके बाद है पतलून।
31 नीतू सुबह उठी। लेसन का क्या नाम है? नीतू। नीतू नीतू सुबह उठी। सुबह उठी ये लेसन का नाम है, पेज नंबर 31 लेसन 6 का। अब हम लोग ये पोएम पढ़ें। इसमें क्या है? नीतू सुबह उठी। नीतू नाम की इसमें एक लड़की है जो सुबह उठने के बाद क्या करती है उसके बारे में बताया गया। ओके, पहला नीतू सुबह उठी, नहाकर पूजा की थाली सजाई। नीतू सुबह उठी, नहाकर पूजा की थाली सजाई। नीतू जो है वो सुबह उठी, सब लोगों को सुबह उठना चाहिए। उठ के क्या करते हैं हम लोग? ब्रश करते हैं, उसके बाद नहाते हैं। नहाकर वो क्या की? पूजा की थाल सजाई। थाली पूजा की, जिससे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, वो पूजा की थाल सजाई। धूप बत्ती जलाई। धूप बत्ती जलाई, धूप मतलब धूप और बत्ती जलाई। इसमें पूजा हम लोग जब करते हैं उसमें अगरबत्ती और धूप हम लोग जलाते हैं। फिर फूल लिए, फूल लिए, दूध की बनी मिठाई रखी। पूजा करते समय क्या क्या होता है? पहले फूल ली चढ़ाया जाता है, उसके बाद क्या? दूध की बनी मिठाई रखते हैं। उसके बाद फिर पूजा हुई। काकू और नीतू फल बाजार गए। काकू और नीतू, नीतू जो इसमें लड़की है वो और उसकी काकू, मतलब काकू किसको बोलते हैं? काकी को। काकी के हस्बैंड को काकू बोलते हैं। काकू के साथ अपने चाचा जी के साथ, काकू मीन्स चाचा, चाचा जी के साथ नीतू फल बाजार गए। जहाँ फल मिलता है उसे क्या बोलते हैं? फल बाजार। फल बाजार गए, वहां से क्या क्या लाए? अमरूद, चीकू, तरबूज, खरबूज सब खरीदा। क्या क्या? फल, बहुत सारे फल खरीद कर लाए। इसमें से कौन कौन से फल थे? चीकू, अमरूद, तरबूज और खरबूज खरीद के लाए। घर आकर फल छीला। घर आकर फल छीला। छिलका कूड़ेदान में डाला। छिलका कूड़ेदान में डाला, क्योंकि छिलका को इधर उधर नहीं फेंकेंगे, नहीं फेंक सकते, क्योंकि उसे घर गंदे हो जाएंगे। इसलिए छिलके को जो है वो कूड़ेदान में फेंका। ओके, इसमें एक लड़की है जो सुबह नहा धोकर पूजा करती है, बाजार से फल लाती है, उसे छिलकर खाती है और भगवान पे भी फल को चढ़ाती है, और जो उसका कचरा छिलका होता है वो डस्टबिन में डालती है। ओके, ये लेसन खत्म हो गया है। अब इसका शब्दार्थ हम लोग देखेंगे। उसके बाद है फूल, फूल उसके बाद है दूध, फिर है फल, फल। सुबह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉर्निंग। मॉर्निंग, उसके बाद फूल। फूल को क्या बोलते हैं? फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। उसके
उसके बाद दूध, दूध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिल्क, माय एल्क मिल्क। उसके बाद क्या है? फल, फल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रूट, एफ आर यू आई टी फ्रूट। सुबह, सुबह मॉर्निंग, सुबह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सवेरे, सवेरे को मॉर्निंग। उसके बाद है फूल, फूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लावर, एफ एल ओ डब्ल्यू आर फ्लावर। फिर है दूध, दूध मिल्क, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिल्क, एम आई एल के मिल्क। फिर है फल, फल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रूट, एफ आर यू आई टी फ्रूट। ये लिख लीजिए और इस लेसन को टू टाइम आप लोगों को पढ़ना है, ओके? इसको पूरे लेसन को आप लोग टू टाइम पढ़िएगा ताकि सारे वर्ड की जानकारी आप लोगों को अच्छे से हो सके। टू टाइम पढ़ना है, इसका जो हार्ड वर्ड लिखाई हूँ वो भी पढ़ना है, पीछे जो इसके पहले उनकी मात्रा वाले शब्द लिखवाए थे उसे भी आप लोगों को रीड करना है, ओके? आज का वीडियो यही खत्म होता है, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। We'll be right back.